हेलो एवरीवन, आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। अगर जो आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, ये स्विंग का बूम प्रेशर है और इसका स्ट्रोक बराबर काम नहीं कर रहा था क्योंकि एक सिलेंडर जो है पुश हो रहा था अंदर की तरफ पूरा, लेकिन एक सिलेंडर पूरा पुश नहीं हो रहा था जिसके चलते हमें खोलना पड़ा है। तो देखिए, हम सिलेंडर को खोल दिए हैं और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा था, क्यों हमारा प्रेशर रिलीज हो रहा था जिसके चलते स्ट्रोक हमारा काम नहीं कर रहा था। तो चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं सिलेंडर के पास और दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्यों ऐसा हो रहा था। तो चलिए हम एक बार सिलेंडर को खोल लेते हैं। देखिए, सिलेंडर है उसका, आप लोग देख सकते हैं कि उसका सिलेंडर किस प्रकार से है। तो सामने चार एलंकी दिया होता है बोल्ट जो उसका, उसको खोल लेंगे एलंकी के माध्यम से। पांच नंबर का एलंकी लगता है इसमें। तो देखिए, हम खोल रहे हैं और फिर खोल के आप लोग को दिखाएंगे कि इसमें क्या इश्यू है और क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, और ये भी दिखाएंगे आप लोग को। तो देखिए, इस लकड़ी के गुटके पे उसको लेकर ठोकेंगे तो जो हमारा पिस्टन वो अंदर चला जाएगा। देखिए, वो खुल गया है और उसका जो पिस्टन उसको बाहर निकाल के आप लोग को दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो देखिए, उसका पिस्टन है, इसको बाहर निकालेंगे। आप लोग देख सकते हैं जो इसका सील है वो कट गया है जिसके चलते प्रेशर रिलीज हो रहा था। तो देखिए, उसका पिस्टन है और एक उसका सील कट गया है, इसी के चलते जो है ये बराबर वर्क नहीं कर रहा था। इस पर जैसे ही लोड पड़ रहा था प्रेशर रिलीज हो रहा था जिसके चलते ये पिस्टन पूरा अंदर नहीं जा रहा था और स्ट्रोक में प्रॉब्लम आ रहा था बार बार। तो चलिए एक बार इसका अंदर का भी सील आप लोग को हम दिखा देते हैं। तो देखिए, इसका अंदर का भी सील ख़राब हो चुका है तो इसका पूरा किट चेंज करना पड़ेगा और चेंज करके फिर इसे असेंबल किया जाएगा। देख लीजिए, जो इसका सील है ख़राब हो चुका है और इसके पिस्टन का भी सील कट गया है, मैंने आप लोग को दिखाया। तो इसको असेंबल करने के लिए सारा किट चेंज करना पड़ेगा और चेंज करके फिर इसको असेंबल किया जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को ये भी दिखाता हूँ कि जो ये प्रॉब्लम हुआ है और प्रॉब्लम होने से पहले जो इसका सिलेंडर किस प्रकार से वर्क कर रहा था जिसके चलते हमें खोलना पड़ा है। तो कभी भी आप लोग के पास ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोग इस प्रकार इसे खोल के देख सकते हैं। देख लीजिए, इसका जो सील है पिस्टन का किस प्रकार कट गया है, आप लोग देख सकते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो कभी भी आप लोग के पास ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोग इसी प्रकार खोल के देख सकते हैं कि आपका सील सही है कि नहीं है और उसे चेंज कर सकते हैं। इस सिलेंडर को खोलने का जो मेन रीज़न है, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हमें क्यों इस सिलेंडर को खोलना पड़ा। तो देखिए, ये पिस्टन कैसे वर्क कर रहा है। एक साइड में पूरा पिस्टन अंदर जा रहा है लेकिन एक साइड में पूरा अंदर नहीं जा रहा, सिर्फ आधा जा रहा है। तो जो हमारा हाइड्रोलिक का प्रेशर है वो यहाँ से रिलीज हो रहा था, जो हमारा सील कटा हुआ है, इसलिए पूरा जो पिस्टन है सिलेंडर का वो अंदर नहीं जा रहा है और जिसके चलते हमें खोलना पड़ा है। तो यही रीज़न है इस सिलेंडर को खोलने का, आप लोग देख सकते हैं। तो कभी भी आप लोग के पास ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोग इस प्रकार से खोल के देख सकते हैं कि आप लोग के सिलेंडर में क्या इश्यू है और उसे कैसे ठीक किया जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आप लोग के लिए फिर एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ और जिससे आप लोग का हेल्प हो सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।